बाल कल्याण समिति के द्वारा महिला वसति गृह के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय जगदीश तिवारी की स्मृति में कृतज्ञ अंग वितरण एवं बाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक स्थानों से आए बच्चों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई, साथ ही उनके नाप लिए गए और उनको सहयोग सुविधाएं प्रदान की गई। होता है और उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन लाता है। उसके बाद बैटरी वाली साइकिल उपलब्ध हो गई तो अब तो कहने ही क्या है। अपनी भूमिका समाज निर्माण के विषय में प्रत्येक व्यक्ति अगर उस दिशा में चिंतन करना और थोड़ा थोड़ा सा सहयोग, छोटा छोटा सा सहयोग, बड़े आंदोलन से स्थायी समाज में परिवर्तन नहीं होता। अपनी सोच की दिशा अगर हम सकारात्मक रखते हैं और उस दिशा में लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और उतना वो दिव्यांग जिनसे अपन कल्पना नहीं कर पाते, वो दो पांच दस लोगों को रोजगार देने की भी क्षमता रखते हैं। और ऐसे हम आप अच्छे जो एकदम स्वस्थ हैं उनके साथ में इस प्रकार के लोग उसको हमें नहीं घेरते हैं, जैसे उनके चारों तरफ घेर के और उनसे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन लेते हैं। कहने का मतलब साधन उपलब्ध कराते हुए समाज सेवा के बीच में और हमारी भूमिका किस प्रकार से हो सकती है, ये अपने पूर्वजों के स्मरण में हम कितना अच्छा कर सकते हैं। जैसे अभी बाल कल्याण समिति का प्रश्न आया तो अभी मिश्रा जी ने कहा कि सब लोग इतने अच्छे हैं कि वो आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं। समाज सेवा के लिए कितना बड़ा क्षेत्र पड़ा है, दिव्यांगों का एक अलग क्षेत्र है, संस्कारों का क्षेत्र एक अलग है। बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्कार को प्रमोशन करने वाले और नैतिक ताकि संस्कार बच्चों में आए उसके लिए मार्गदर्शन करने वाले, जो भी यहाँ भीख मांगने वाले बच्चे शहरों में फुटपाथ पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे बहुत मिलते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक छोटी छोटी सी पहल भी आदमी की जिंदगी को बदल देती है।